हाँ जी, एक बार फिर वापस आ गया। तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज रेडियो का प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न 88.9 FM तो। ते जिस तरह के तुहानू सारयां नू पता है कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि काउंसल्स जिहड़ियां हुंदियां उन्हां दियां इलैक्शनस हर एक सबब विच चल रहियां ने। ते इस वारी खुशी की गल ये आ कि साडे भाईचारे दे यानी कि साडी कम्यूनिटी दे इंडियन कम्यूनिटी दे बहुत सारे कैंडीडेट्स इस वारी पार्टिसिपेट कर रहे ने। ते अज साडे स्टूडियो विच पहुंचे ने सैयद असलम जी, ते उन्हां नाल तुहानू असीं इंट्रोड्यूस करवाउने आ, ते नाल दी नाल उन्हां कोलों जानन की कोशिश करांगे, वार्ड्स बारे पुछांगे उन्हां नू कि किहड़े किहड़े वार्ड्स ने और किहड़े किहड़े वार्ड तों किहड़े किहड़े कैंडीडेट ने। ते बट सैयद जी साडे नाल गलबात करनगे हिंदी दे विच। सैयद जी, वेलकम टू सांझी आवाज रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बताया, आई एम थैंकफुल, हाईली ग्रेटफुल आप लोग सबका। जी, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस के आप इलेक्शन के लिए जा रहे हैं और ऑल द बेस्ट फ्रॉम सांझी आवाज रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आपके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा वार्ड्स के बारे में जानना चाहूंगी कि अगर आप वार्ड्स के बारे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें हमारे लिसनर्स को। सो बेसिकली विक्टोरिया में 79 काउंसिल्स हैं, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो अक्टूबर 2024 में इन सारे 79 काउंसिल्स में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। विंडम काउंसिल में 11 वार्ड हैं। प्रीवियसली यानी 2020 से सिस्टम बदल गया है। 2020 में 3 वार्ड थे और 11 काउंसलर्स थे। अच्छा, यानी सिंगल वार्ड और मल्टीपल काउंसलर्स। ओके, लेकिन अभी तो उसको सब डिवाइड करके 11 काउंसलर्स और 11 वार्ड यानी सिंगल वार्ड सिंगल काउंसलर सिस्टम लाया गया है। अच्छा, ठीक है। तो ये इस बार हुआ है? ये पहली बार हुआ है। ओके, ठीक ठीक। तो आप कौन से वार्ड से इलेक्शन? मैं विलियम्स लैंडिंग वार्ड से कंटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, टोटल 11 वार्ड है जी। तो सो विलियम्स लैंडिंग एक वार्ड है? एक वार्ड है। तो आपके वार्ड से कितने कैंडिडेट्स हैं? नॉमिनेशंस 9th ऑफ सितंबर को खुल रही हैं, 17 सितंबर आफ्टरनून में क्लोज हो रही हैं। अच्छा। और 18 सितंबर को बैलेट ड्रॉ होता है। Okay. तो अभी नॉमिनेशंस भी नहीं खुली हैं। ये अच्छा। जो भी है वो अहेड यानी कंटेस्ट या फिर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। Okay. So, official candidate list will come on 18th of September. 18th of September, okay. तो इसके लिए थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है। एक सिटीजन जरूरी है जो कंटेस्ट कर सकते हैं, और आप कंटेस्ट करने के लिए आपके लिए एक लोकल कैंडिडेट ट्रेनिंग होती है, वो मैंडेटरी है फॉर द एप्लीकेशन टू बी अप्रूव्ड। सो यू हैव टू कंप्लीट दैट, एंड उसके बाद ऑब्वियसली यू शुडंट बी बैंकक्रप्ट एंड यू शुडंट हैव एनी क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यू, ऐसे सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कोई भी जो वोट कर सकता है वो कंटेस्ट कर सकता है। ओके, तो वोट के लिए भी सेम ही अप्लाई करता है कि आपको सिटीजन होना जरूरी है? नहीं, लोकल गवर्नमेंट में थोड़ा सा मुख्तलिफ है उसका सिस्टम। अगर आप रेट पेयर हैं और आपने अपने आप को रजिस्टर किया है लोकल काउंसिल में, जिस काउंसिल में आप रेट पेयर हैं, वो 7th of August को वो डेट एक्सपायर हो गई है। अच्छा। तो जो जिन्होंने भी रजिस्टर किया 7th of August से पहले एज अ रेट पेयर, इवन दो वो वोटर नहीं है, वो वोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो वोट करने के लिए कहाँ पर जाना होता है? ये फेडरल और स्टेट इलेक्शन की तरह नहीं होता है। काउंसिल इलेक्शन इज अ पोस्टल बैलेट। तो टेक्निकली ये है कि बैलेट्स आपके घर आएंगे विद अ प्रीपेड एनवेलप। 7th of October को बैलेट्स रिलीज होंगे विक्टोरियन इलेक्शन कमीशन से। आपके पास 25 अक्टूबर तक टाइम है, आपने वो फिल करके वापस भेजना है। 1st of November आफ्टरनून तक उन्हें वो बैलेट पेपर मिलना चाहिए। अगर वो उनको नहीं मिलेगा देन यू आर टेक्निकली कंसिडर्ड कि आपने वोट नहीं किया। तो ये कंपल्सरी होता है? या ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में वोटिंग कंपलसरी वोटिंग कंपलसरी है, ये भी एक बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा फायदा है सबको, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वोटर पे होती है। अगर वोटर भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हाँ, बिल्कुल। तो ये आप देखें, मैक्सिमम 50-60% वोटिंग होती है, यानी 40% ने वोट ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा है, करीब 90% प्लस है। ओके, दैट्स रियली गुड। और अगर आप वोट नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी पड़ती है, तो उसका भी ध्यान रखना।
लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जो हम लोग मिस करते हैं, यानी जो साउथ एशिया से कम्युनिटी आती है वो लोग अपने यहाँ वी वोट, यानी हम एक आदमी को वोट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको हर किसी को वोट करना पड़ता है. एवरी सिंगल कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रहा है उसको वोट करना पड़ता है, अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है. तो कोई भी अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे या डबल नंबर लिख दिए या फिर नंबर जैसे मान लो किसी ने 2 और 7 सिमिलर लिखते हैं वो रीडेबल नहीं है तो फिर वो वोट इनवैलिड हो जाता है. ओके हाँ, तो जो भी ध्यान रखें कि सबको वोट करें, गैप्स ना छोड़ें, नंबर्स क्लियरली लिखें, रीडेबल रहें. बिल्कुल. तो अब बात करते हैं आपकी कि आपने क्यों डिसाइड किया और कैसे डिसाइड किया कि आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, और विंडम में रहते हुए आपको कितनी देर हो चुकी? मैं विंडम में 2013 में मूव हुआ. वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया 2002 में आया एज अ स्टूडेंट. हम सबकी कहानी एक ही है, हमने वहीं से शुरू की, स्टूडेंट लाइफ आए, फिर टैक्सी चलाए, फिर यू नो धीरे धीरे जिंदगी, बीवी बच्चे उनके स्कूल्स एंड ऑल दैट. शख्सियतन मैं जैसे एक इंसान हूँ, आई बीन यानी जिंदगी तमाम कम्युनिटी लाइफ में रहा, राइट फ्रॉम माय स्कूल लाइफ, यानी स्कूल यूनियन, कॉलेज यूनियन, फिर आई एम वेरी यानी काफ़ी पैशनेट. वो मेरा एक किस्म का नशा है, खौम मेरी नशा है. तो दैट्स क्वाइट यानी मेरे को इंस्पायर करते हैं लोग, मैं लोगों से मिलता हूँ, मुझे पसंद है, और लोगों के लिए कुछ करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है. एंड दैट मेड मी. और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और कम्युनिटी सर्विस अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं मिल जाती हैं रास्ते में ना. तो अगर आप सिर्फ कम्युनिटी सर्विस करते हो तो आपकी एक हदूद होती है, उसके आगे नहीं जा सकते हो आप. लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से मिलाते हो तो देन इट मेक्स थिंग्स बेटर. एंड मैंने ये मेरा दूसरी बार कंटेस्ट करना है. मैंने 2020 में भी इलेक्शंस कंटेस्ट किया था, तब वो हैरिसन वार्ड था, एंड नाउ दिस इज 2024, सो इट इज विलियम्स लैंडिंग वार्ड. राइट. तो आप कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ काम करते हैं या अपने खुद से कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं? मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ. जैसे कहा कि मेरा एक ख्वाब है, एक ख्वाब यह है कि मैं, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे 20 साल पहले, हमारी चैलेंजेस काफ़ी अलग थी, आज की चैलेंजेस काफ़ी अलग हैं. एंड मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने वो नींव सही से नहीं रखी तो अगला जनरेशन वो भटक जाएगा. तो वो जिम्मेदारी निभाना ज़रूरी है. तो मेरा ये जो मकसद है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स बनाना है. ओके. एंड लीडर्स का मतलब ये नहीं कि जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर्स इन बिजनेस, लीडर्स इन रिलीजन, लीडर्स इन सोशल सर्विस, लीडर्स इन कम्युनिटी सर्विसेज एंड पॉलिटिक्स. एंड मेरे वालिद ने कहा था कि जब मैं इंजीनियरिंग में था तो उन्होंने बोला था कि दिस इज़ द एज यू गेट व्हाट यू वांट और एल्स यू हैव टू टेक व्हाट यू गेट. दोनों में कहीं जमीन आसमान का फर्क है. तो आज तक हमने वो लिया जो हमको मिला जी. अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं जो हमें चाहिए जी. तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स. और तो आप ये जो करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि ये काउंसिल में जाके एज अ काउंसलर जो आप क्योंकि इलेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोकल गवर्नमेंट में जाएंगे तो ये आसान बनाएगा आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए? देखिए आप ऑस्ट्रेलियन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में 3 लेयर्स हैं, फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नेंस. लोकल गवर्नेंस प्रोबेबली द लीस्ट पावरफुल है बट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव है क्योंकि वो कम्युनिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है. और इन तीनों लेयर्स में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं. जैसे आप फेडरल लेवल पे चलिए जाइए वो डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है एंड गवर्निंग द कंट्री है. स्टेट पे आएंगे तो फिर एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिसिंग है. लोकल गवर्नेंस वो है जो लोकल कम्युनिटी के इश्यूज गवर्न करती है. तो हाँ, हम बहुत सारा यानी जमीन आसमान नहीं बदल देंगे लेकिन हमारी जो शख्सियत या कैपेबिलिटी में रहेगी उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ज़रूर ला सकते हैं. और मेरा मानना यह है कि जिंदगी की उस मुकाम पर है हम जहाँ पर जो चीज़ दिखती है वो शायद आज उतनी अहमियत नहीं रखती जो चीज़ नहीं दिखती है. यानी अगर आप देख लें, ऑनेस्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट टुडे देन योर कैपेबिलिटी एंड यू नो आपकी ट्रस्टवर्थीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द जीनियस आइडिया, बिजनेस आइडिया आपके पास है. इंसान की इंटीग्रिटी, उसके मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज काफ़ी अहमियत रखती हैं. तो काउंसलर का जो फंडामेंटल काम होता है कि ही इज़ द ब्रिज, ही इज़ द ब्रिज बिटवीन द काउंसिल एंड द कम्युनिटी. अगर एक कौम, एक कम्युनिटी एक सही आदमी को चुनती है तो वो अंदर जाएगा तो देन व्हेन ही बिकम्स अ काउंसलर ही बाइंड्स द कम्युनिटी, कम्युनिटी बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड एथनिक, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स.
राइट. तो सही जी, इस टाइम आप विंडम में क्या सोच रहे हैं कि कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है? आप कौन सी कुछ ऐसी खास जो कोई प्रॉब्लम है या इश्यूज हैं कम्युनिटी के, क्या चल रहा है विंडम में जो आप काउंसिल में लेकर जा सकते हैं? यह देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में कई काउंसिल्स हैं जी, लेकिन विंडम इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक काउंसिल, क्योंकि विंडम में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं और मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं. करीब 190 डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग यहाँ पे रहते हैं और इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग काउंसिल. तो यहाँ पे जो ओवरबर्डनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा, तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है. जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे खैर हम पे नहीं आता, लेकिन पार्किंग, जो लोग सिटी काम करने जाते हैं, विलियम्स लैंडिंग स्टेशन हो या टारनेट स्टेशन हो, पार्किंग में उनके जो चैलेंजेस होते हैं, काफी होमलेसनेस बढ़ रही है यहाँ पे. और क्योंकि इतनी मुख्तलिफ कम्युनिटीज हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग हैं, हर कम्युनिटी के चैलेंजेस अलग हैं, उन सबको एक जगह लाना, उन सबको एक जगह यूनाइट करना काफी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग रहेगा. फिर होमलेसनेस है यहाँ पे, क्योंकि काफी आबादी काफी रफ्तार से बढ़ रही है. डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर ऑफ पीपल लिविंग इज ऑल्सो वेरी हाई इन दिस एरिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बेसिक नेसेसिटीज इन टर्म्स ऑफ रेट्स, रोड्स एंड रबिश, ये सब चैलेंजेस हैं. ऐसे नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काफी काम हो रहा है और इससे बेहतर भी हो सकता है. जी आशीष जी, हमारी टीम से की तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर विन करें. और जो विंडम के, क्योंकि हम भी विंडम में बहुत देर से रहते हैं और विंडम के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप ज़रूर लेके जाएं और वहाँ पर डिस्कस करें और होपफुली उसका कुछ ना कुछ जो कहते हैं समाधान निकल सके. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे इस बार जो हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो वो क्या आपको लगता है कि इज इट गुड थिंग? हर इंसान का देखने का अपना अपना नजरिया है. मैं समझता हूं कि कोई भी डेमोक्रेसी दुनिया में फंक्शनल तभी होती है जब उसकी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रहे. ओके, बहुत अच्छी बात है कि इतने लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इतने लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उसमें ऐप क्या है? और क्योंकि हम इतनी वैरायटी, इतनी वर्सेटाइल कम्युनिटी से आते हैं, हर किस्म के आदमी की अपनी अपनी एस्पिरेशंस है, वो अपने अपने कौम के लिए, अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐप है. इट्स गुड, चैलेंजिंग है ऑफ कोर्स, लेकिन आप देख लें, एक लड़े या सौ, जीतना तो एक ही है, वही जीतेगा जो मोस्ट कॉम्पिटेंट है, केपेबल है, हार्डवर्किंग है. कौम इतनी दीवानी तो नहीं है, वो जरूर. और यहाँ की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, क्योंकि आपने सबको वोट करना है, इट्स लाजिम, अगर आप वोट नहीं करोगे तो वोट वैलिड ही नहीं है. इसका मतलब यह है, जीतेगा वही जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द कम्युनिटी रहेगी, सिर्फ एक कम्युनिटी के बेस पे कोई जीत नहीं पाएगा. सो आई थिंक इट इज गुड कि काफी लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, आई वेलकम देम, एंड आई थिंक कि दे आर ऑल ट्राइंग टू डू समथिंग इन देयर ओन कैपेसिटी. इट इज इट्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, आई लव इट. बहुत अच्छी बात. तो आपके वार्ड से, यानी कि विलियम्स लैंडिंग वार्ड से, अपनी कम्युनिटी के कितने लोग कॉन्टेस्ट अभी तक जिन्होंने डिक्लेयर किया? करीब 6 कैंडिडेट्स हैं. एक एडेल है, फिर शाहाना है, फिर मैं हूँ, फिर एरनान है, फिर लैरी जाओ है, फिर अली हाशमी है. ये 6 कैंडिडेट्स ने अभी तक यानी ओपनली डिक्लेयर किया, लेकिन फाइनल कैंडिडेट लिस्ट 18 सितंबर को आएगी. जी तो एक बार फिर हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और जब आप जीत कर आएंगे तो फिर भी हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके का. मैं, मेरी एक गुजारिश और जस्तजू यही है कि मैं बोलूं वोटरों को कि देखें, वोट एक ऐसी करेंसी है जो आपको 4 साल में एक बार मौका मिलता है. ओके, आपने अगर उसको सही इस्तेमाल किया तो एक अच्छा कम्युनिटी लीडर आएगा, वो कम्युनिटी को बाइंड करेगा, कम्युनिटी जीतेगी. अगर आपने उसको गलत इस्तेमाल किया, यानी इमोशंस पे या अपने बायसेस पे वोट किया, तो फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा सही आदमी को चुनने के लिए. और बेसिकली एक कैंडिडेट सिर्फ कंटेस्ट करता है, जीतती या हारती कौम है. क्योंकि अगर सही कैंडिडेट आएगा, सही लीडर आएगा, वो सारी कम्युनिटीज़ को बाइंड करेगा, उन सब की इत्तेहाद की कोशिश करेगा और उसकी कैपेसिटी में उन सबको मदद करने की कोशिश करेगा. अगर एक गलत आदमी आएगा, एक टॉक्सिक लीडर आएगा, वो डिवाइड करेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा. तो कैंडिडेट सिर्फ
कंटेस्ट करता है, कौम जीतती या हारती है. अब कौम को डिसाइड करना है कि उसने जीतना है या हारना है. जी सही है जी. मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्यों वोट दिया जाए. एज आई सेड कि कोई वोटिंग बहुत जिम्मेदारी का काम है. कोई भी इन डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वोटर पे आती है कि वो रिसर्च करे किसको क्यों वोट करे. एक कैंडिडेट में क्या देखना चाहिए कि उसकी में वो शख्सियत है कि वो लोग को मिला सकता है. दूसरी ये चीज़ देखना है कि उसमें वो काबिलियत है क्या, वो एजुकेटेड है और वो उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, उसने क्या किया, कैसे डिलीवर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. वैसे 100 में से 100 तो सही नहीं बोलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्या बोलती है, उसके बारे में क्या सोचती है, एंड वो सब चीज़ें फैक्टर करके फिर अपना वोट दें. वोट कीमती चीज़ है, वो आपको 4 साल में एक बार मौका मिलता है तो सही जगह इस्तेमाल करें. सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सांझी आवाज़ रेडियो को चूज़ किया अपनी बात कहने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू.